कुछ चले ना चले, सरकारें चली ना चले, ये पिक्चर अंतिम तक चलेगी। आपके घर की जो खुन्नस है वो निकालने के लिए आपने स्पेशली ये मूवी बनाई है, ताकि आप पूरा का पूरा खुन्नस हमारे भाई पे निकाल सके। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, इनकी मेहनत ने इनको ये फिल्म दिलवाई है। और ये कितने भी बड़े भाई हो जाए, कितने भी बड़े भाई हो जाए, पूना के भाई हो जाए भले, हमारी बहन इनकी पत्नी है, वो इनसे बड़ी भाई है। मेहलाट था सुनियतो है। मराठी में एक डायलॉग आपने बोला है। कौन सा है सर? मुझे तो पता है, पर ये आपकी भाषा में आपसे सुनेंगे। आप बोलो वो डायलॉग। सर मेरी मराठी थोड़ी कमजोर है, पर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अगर आपने बोल दिया पूना पागल हो जाएगा, दे बीन वेटिंग फॉर यू गाइस। मैं इन लोग से सुनना चाहूंगा वो डायलॉग क्या है। पहला था सुनिए तो अपना पुणेचा भाई, पुणेचा भाई अपना पूरा करना भाई, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मैंने सुना था और मैं बहुत श्योर हूँ, बहुत ही धमाकेदार उसका एक डायलॉग था कि कोई चीज टिके ना टिके, प्लास्टिक जरूर टिकता है, अंतिम तक टिकता है। पर मैंने सुना है आपने जो बॉडी बनाई है वो भी फुल प्लास्टिक, अंतिम तक टिकने वाली बॉडी है। ऑडियंस ऑडियंस ने डिमांड की है सर, और वो ऑडियंस ने ये मूवी के पोस्टर्स में, ट्रेलर्स में सब देखा है, पर ये पुणे की रिक्वेस्ट है मेरी नहीं, आप दोनों की। ये पुणे की रिक्वेस्ट है कि वो बॉडी यहाँ पर वो स्टेज पे लाइव देखना चाहते हैं। बॉडी देखना है, बॉडी देखना है, तो फिर अंतिम देखना होगा, अंतिम देखना होगा। वो पीछे जो बच्ची है ना, जो किसी के कंधे पे, शायद फादर के कंधे पे होगी। हाँ जी। वो हम लोग 20 साल पहले या 25 साल पहले माइकल जैक्सन का शो देखने गए थे, और इनकी जो मिसेस अर्पिता, वो मेरे कंधे पे 4.5 घंटे थी। यही तो है सर असली भाई का प्यार। यू टू वेलकम ऑन स्टेज सर, वेलकम ऑन स्टेज द एंकर ऑफ द शिप, द डायरेक्टर ऑफ द एंटायर